लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने जो दोनों टाइप का जो प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ठीक है, ऑब्लिक भी और इंक्लाइंड भी, जो आप कुछ एंगल पे पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जब भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आप पार्टिकल को थ्रो करें फ्रॉम सम हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होगा, तो ये आपको पीडीएफ भी मिला होगा और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ठीक है। अब ये मोशन इन प्लेन में जो लास्ट टॉपिक है नीट के लिए और जेडब्ल्यूई के लिए, क्योंकि तो इसके बाद फिर आपका लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर द जेई एंड नीट सिलेबस। तो उसके लिए हम लोग यूट्यूब से लाइव पढ़ेंगे, ठीक है, यूट्यूब से वो लाइव आपका क्लास रहेगा। आज एक या दो दिन आपका ये लाइव क्लास चलेगा, फिर आपका फिजिक्स का, ठीक है, बाकी आपका बायो और जो केमिस्ट्री है वो तो इसी पर लाइव रहेगा, पर यूट्यूब में फिर लाइव लेंगे हम लोग, ठीक है, फिजिक्स के लिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बताइए, बहुत लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जो रिपीटर है वो क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वर्ड ही मतलब क्या, आपका जो वेलोसिटी का डिफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। आज मेरी आवाज थोड़ा खराब है, असल में मौसम चेंज की वजह से, ठीक है, थोड़ा सर्दी खांसी। तो आपका जहां भी कोई ए बॉडी है उसका डिफिनेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कोई बी बॉडी है उसका डिफिनेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिवली मतलब क्या, रिलेटिव टू वन अनदर, रिलेटिव मतलब क्या, किसी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जो ओरिजिन है, जो ऑब्जर्वर है, तो यहां पर हर समय आपका ऑब्जर्वर का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऑब्जर्वर कौन है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए ये और यहां पर ये ट्री है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या है आपका, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री इज इक्वल टू व्हाट, ये जीरो है रेस्ट पर, तो रेस्ट मतलब क्या, जीरो आई प्लस जीरो जी, ये एक्स के रिस्पेक्ट में भी ये रेस्ट पर है और वाई के रिस्पेक्ट में भी ये क्या आपका रेस्ट पर, ठीक है, जीरो आई प्लस जीरो जी। एक इंसान यहां दौड़ रहा है, मान लीजिए ठीक है, और इसका स्पीड दिया हुआ है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका ये 6i और 0j, ये मैन कहां दौड़ रहा है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये रोड पर दौड़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रैक है और यहां पर ये दौड़ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है 6i प्लस 0। मान लीजिए यहां पर एक बर्ड भी है और बर्ड भी फ्लाइंग कंडीशन में, मान लीजिए आपका ये
तो इसके विंग्स ओपन है और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लाई कर रही है। इसका स्पीड भी आप मान लीजिए कुछ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड। और इसका कुछ एंगल मान लीजिए, अभी के लिए एंगल आपको समझाने के लिए, इसका एंगल मान लीजिए 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री, ठीक है। जो फाइनाइट एंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180, ये सब तो कॉमन है, पर दो वैल्यू आपको याद रखना है, क्या 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो इसका वैल्यू आप सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो बता दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये पहले वीडियो को साइड पर करने दीजिए, वीडियो बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता आपका, अगर 37 डिग्री है और रिकॉर्ड ट्रायंगल मान लीजिए 53 डिग्री, मान लीजिए यहां पर एंगल गिवन है ये 37 डिग्री, तो 37 डिग्री का ट्रायंगल आपको याद रखना है क्या, एंगल के सामने जो होता है दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर, तो ये आपको याद रखना 3, 4। और हाइपोटेनस क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये क्या होगा 25, तो बाहर क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। और अगर यहां पर 53 डिग्री है तो यहां 4 होता है परपेंडिकुलर, यहां बेस आपका 3 होगा और जो हाइपोटेनस है वो आपका होगा 5। तो सेम 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 और 16 क्या होगा 25, बाहर क्या आएगा 5 आएगा, बाहर क्या आएगा आपका 5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर 37 डिग्री है तो 3, 4, 5 यहां से आप कुछ भी निकाल सकते, जैसे अगर आपको निकालना साइन थीटा, तो साइन 37 इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। अगर कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या आपका 4, हाइपोटेनस क्या आपका 5, तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये बर्ड भी आपका फ्लाइंग कंडीशन में विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अलोंग द 37 डिग्री एंगल डायरेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका जो एक्सिस है इसको हम मान रहे हैं एक्स, और ये आपका जो एक्सिस है इसको हम क्या मान रहे हैं वाई। दिस इज एक्स, दिस इज वर्टिकल एक्सिस वाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, कहने का मतलब क्या, मान लिया कोई कार में मूव कर रहा है, एग्जांपल के लिए पहले क्वेश्चन बाद में आते, पहले एग्जांपल देखिए, ये ट्रैक है, यहां पर आपका गाड़ी मूव कर रही, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहां पे बी रेस्ट पर है, ये बी आपका रेस्ट पर है, और यहां जो भी आपका विंडो सीट पे गाड़ी चला रहा है, ठीक है, इसको बोल रहे ए, इसका स्पीड दिया 20, क्या दिया है 20। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, इसको बोलते हैं वी ए बी, वी ए बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए एज
सीन बाय बी, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए यहां पर ए मूव कर रहा है, ए आपका चेंजिंग कंडीशन और बी आपका स्टेशनरी, बी आपका ग्राउंड पर है मान लीजिए, ठीक है। तो बी किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, ठीक है। ए का मोशन कौन ऑब्जर्व कर रहा, बी कर रहा है। तो यहां फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, इसको बोलते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल फॉर्मूला वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी, सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, वी ए माइनस बी बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस बी बी। अब देखिए ए का वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्यों, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट पर रहता है। तो मान लीजिए अगर आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, और आप यहां 20 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, अब ये फॉर्मूला भी छोड़ दीजिए, अब ये फॉर्मूला भी आप भूल जाइए कि फॉर्मूला कुछ होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। अभी आप क्या देखिए कि बी खड़ा है और ए मूव कर रहा है, तो जो ए का एक्चुअल स्पीड होगा, जो ए का एक्चुअल मोशन होगा, दैट इज ऑब्जर्व बाय बी, ठीक है। आप रेस्ट पर है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आया, ट्रेन मूविंग कंडीशन में, तो जो आपका ट्रेन का एक्चुअल स्पीड है, अगर तेज से गुजर रहा है तो आपको फास्ट दिखेगा, अगर ट्रेन कहीं स्टेशन से आके रुक रहा है तो आपको रुकता हुआ ट्रेन दिखेगा, तो जो एक्चुअल स्पीड है बी को वही दिखेगा। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या होता है वी ए बी, फॉर्मूला क्या होता है वी ए माइनस बी बी, बस एक ही फॉर्मूला यहाँ, वी ए माइनस बी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना भैया, 20 माइनस बी का क्या है रिस्ट पर 0, तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, जब बी ए को देख रहा है, जब बी ए को दिख रहा है तो ए का जो एक्चुअल स्पीड है वो दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये रेस्ट पर है। देखिए ये कहां मूव कर रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू 20i, क्या लिखेंगे 20i, तो ये 20i। वेलोसिटी ऑफ बी भैया रेस्ट पर है तो क्या होगा, 0i 0j, तो ये क्या आएगा 0i, तो 20i माइनस 0i क्या आएगा आपका 20i। मतलब क्या, जो ए का एक्चुअल स्पीड है अलोंग द एक्स, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वही दिख रहा है बी को, क्योंकि बी उस डायरेक्शन में रेस्ट पर है, कोई भी एक्स में उसका मूवमेंट नहीं है, किसका, बी का। तो भैया बी रुका हुआ है और जो उधर से गुजर रहा है सबका एक्चुअल स्पीड दिख रहा है, बाइक का स्पीड है, ट्रेन का स्पीड है, तो जो एक्चुअली ट्रैवलिंग स्पीड है वही उसको दिखेगा। अब मान लीजिए यहां पर बी मूव करना शुरू हो गया, इधर कितना स्पीड से मूव कर रहा भैया, तो ये मूव कर रहा है मान लीजिए 10 स्पीड से, 10i। अब इसका स्पीड क्या होगा, 10i, क्या होगा 10i, द 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, अब देखिए मान लीजिए पहले आप साइकिल चला रहे थे, क्या है साइकिल चला रहे, साइकिल चलाना मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या आपका सेम, आप दोनों, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका भी स्पीड 20 है और इसका भी स्पीड 20 है, तो 20 वाला इसको देख रहा है ए को, ए वाला देख रहा है बी को 20 स्पीड से, दोनों क्या है रेस्ट पर, क्या है रेस्ट पर, क्यों, फॉर्मूला क्या है वी ए माइनस वी बी, 20 माइनस 20 क्या होगा जीरो होगा, 20 माइनस 20 क्या होगा जीरो, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्योंकि आप बात करते चल रहे हैं, हाँ तू क्या खाया भाई, तो हाँ पनीर खाया, हम बिरयानी खाए, हाँ तू क्या लाया टिफिन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का स्पीड क्या है सेम, इसका ए का स्पीड कितना है 20i, बी का स्पीड कितना है 20i, दोनों सेम डायरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है वी ए माइनस वी बी, 20i माइनस 20i क्या होगा जीरो, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, भलाई मूव कर रहे हैं पर रेस्ट पर है। अब समझिए ए का स्पीड 20 है और बी का स्पीड कम हो गया 10 मीटर पर सेकंड, अब यहां पर वेलोसिटी का डिफरेंस है 20 माइनस 10 क्या आएगा 10, तो जब ए को बी देखेगा, वी ए बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी,
वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, बी किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, तो बी का स्पीड खुद कितना है 10, मतलब 10 के स्पीड से दौड़ रहा हो और ए आगे जा रहा है कितना 20 से, तो ये 20 से आगे जा रहा है, ये 10 के स्पीड से आगे आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आपका 10, क्योंकि ये खुद 10 के स्पीड से दौड़ रहा है और ये 20 के स्पीड से भाग रहा है, तो यहां पर क्या लगेगा बी को, ये 10 के स्पीड से मेरे से आगे है, कितना आगे है 10 के स्पीड, उसको एक्चुअल स्पीड क्या दिखेगा 10 ही दिखेगा, उसको 20 नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसका खुद का स्पीड कितना है 10 है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा 20i और -10i, क्योंकि बी का वेलोसिटी क्या आपका अलोंग द हॉरिजॉन्टल कितना आपका 10i, तो 20 - 10 यहां पे कितना आएगा आपका 10, ठीक है, 20 - 10 कितना आएगा आपका 20 - 10 क्या आएगा आपका 10, क्या आएगा आपका 10, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो 20 - 10, तो कहने का मतलब क्या, जब भी ऑब्जर्वर, जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट पर है तो आपको एक्चुअल स्पीड दिखेगा, और जब भी आप मूव कर रहे हैं तो आपका जो डिफरेंस है वही दिखेगा, आपका जो डिफरेंस है वही दिखेगा। अब आइए वापस कहानी पर, तो दो ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, पहला फॉर्मूला आपका क्या है, तो va - vb होता है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आपको डायरेक्शन लेना है, माइनस क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा va - vb, डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा va - vb। अब देखिए a यहां पर पहले रेस्ट पर था, अब ये यहां पर आ गया, दोनों एक ही ट्रेन में, दोनों एक ही बस में, a भी यहां पर है, मान लीजिए a है जो गाड़ी चला रहा था, अब यहां से b यहां आ गया, b उठ के यहां चला गया, b उठकर यहां चला गया, ये b हो गया, अब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाय b, अभी भी b किसको देख रहा है a को, तो अब स्पीड क्या होगा, तो va - vb, तो कहने का मतलब क्या, जो ट्रेन का स्पीड है, जो बस का स्पीड है, वही पैसेंजर का स्पीड है, तो जो पहले बस का या ट्रेन का स्पीड था 20, तो वही ए का स्पीड था, वही आपको जो बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको वही दिख रहा था 20 की स्पीड से मूव करता हुआ, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े इस पर, यहां पर बी रेस्ट पर था, तो आपको जो एक्चुअल स्पीड है जो ट्रेन का, बस का, बाइक का, वही आपका पैसेंजर का दिख रहा है, पर अब बी यहां पर आ गया सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो यहां कहानी क्या होगा, तो va - vb, तो यहां क्या आएगा 20 - 20 क्या होगा, जीरो, क्या होगा जीरो, ठीक है, क्योंकि अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था रेस्ट, पहले ऑब्जर्वर क्या था रेस्ट पर, अभी दोनों का स्पीड क्या है सेम, ए का भी स्पीड बस के अंदर 20 है और बी का भी स्पीड ड्यू टू द स्पीड ऑफ बस क्या है 20 है, तो 20 - 20 क्या आएगा जीरो, तो जब बी ए को देख रहा है तो दोनों रेस्ट पर है, भाई ट्रेन है, तो जब आपका ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसको दिख रहा है ट्रेन के अंदर आप मूव कर रहे हैं, पर जब आपके सामने ट्रेन के अंदर जो विंडो सीट पर बैठा है, ट्रेन के अंदर जो आपके सामने विंडो सीट पर बैठा है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो क्या है रेस्ट पर, और उसके रिस्पेक्ट में आप क्या है रेस्ट पर, आप जब बी को देख रहे हैं तो रेस्ट पर है, बी जब आपको देख रहा है तो क्या है रेस्ट पर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो उसको कहानी कुछ और दिखेगा, और अगर आपका ऑब्जर्वर आपके फ्रेम में आ गया, मोशन में आ गया, तो अब वहां डिफरेंस दिखता है, क्या दिखता है डिफरेंस, याद रखना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो उसको एक्चुअल मोशन दिखेगा, जैसे बी पहले रेस्ट पर था, ए मूव कर रहा है, तो ए का एक्चुअल स्पीड विल बी ऑब्जर्व बाय बी ऑब्जर्वर, पर जब बी भी मोशन में है, चाहे वो ट्रेन के अंदर आ जाए, चाहे ट्रेन जो सेम स्पीड आ जाए, मान लीजिए यहां पर ए दौड़ रहा है इधर, और यहां बी भी दौड़ रहा है, सेम स्पीड है, तो दोनों एक दूसरे से बात करते चलेंगे, दोनों एक दूसरे से बात करते चलेंगे, इसका स्पीड भी 20 है ए का, और बी भी दौड़ना शुरू कर दिया, ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर था अब वो दौड़ना शुरू कर दिया 20 की स्पीड से, तो जब आपका मोशन में है तो वहां डिफरेंस दिखता है, तो यहां डिफरेंस क्या है 20 - 20 क्या आपका जीरो, तो यहां जब डिफरेंस जीरो है तो यहां पर कोई भी रिलेटिवली मोशन में नहीं है, दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली क्या है रेस्ट पर, ए भी जब बी को देख रहा है जो कि साथ में है तो रेस्ट पर है, बी भी जब ए को देख रहा है तो रेस्ट पर,
तो याद रखना है, जब बी ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहेगा तो उसको एक्चुअल दिखेगा, क्या दिखेगा एक्चुअल, और अगर बी भी मोशन में आ जाए तो अब वहां डिफरेंस दिखेगा, क्या दिखेगा डिफरेंस। अभी तक ये पॉइंट आपको याद रखना। तो वी ए बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है गुलफाम वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अब यहां क्या होगा, ठीक है अब यहां पर क्या होगा, और अगर वी बी ए है तो इसी को हम बताएं क्या, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस और वी बी जी। ये क्या लिखे थे कि दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या आपका सेम, क्योंकि ग्राउंड आपका रेस्ट पर होता, तो अगर कोई ए मूव कर रहा है और ग्राउंड रेस्ट पर है तो ग्राउंड जब ए को देखेगा, वी ए जी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब ग्राउंड ए को दिखेगा तो जो ए का एक्चुअल मोशन है, जो ए का एक्चुअल स्पीड है वही दिखेगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए कि भैया जो एक्चुअल स्पीड है वही है, या फिर वी ए जी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी बी, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि एक्चुअल स्पीड जब ग्राउंड, क्योंकि हमेशा ग्राउंड क्या होता है रेस्ट पर, आपको ग्राउंड का स्पीड क्या लेना जीरो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब बी मूव कर रहा है तो उसको एक्चुअल दिखेगा, जिधर भी जाए बी, इधर जाए बी, इधर जाए कहीं भी जाए तो उसको एक्चुअल मोशन बी का दिखेगा, किसको ग्राउंड को। तो आप भी यार डायरेक्टली लिख सकते हैं वी बी या फिर वी बी जी। तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, कब जब डायरेक्शन सेम हो तो फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, जब डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा तो कोई भी वेलोसिटी को रिवर्स करना है, जैसे अगर वी ए उल्टा दौड़ रहा है तो हम मिलेंगे माइनस वी ए, अगर वी बी आपका उल्टा आ रहा है तो यहाँ क्या होगा माइनस वी, मतलब क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए पहले जो आप ऊपर डायग्राम बनाए उसका मतलब क्या है और उसी से रिलेटिव वेलोसिटी पूरा क्लियर होगा, एक क्वेश्चन से पूरा रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर होगा। तो यहां पर पेड़ भी है, यहां भी इंसान दौड़ रहा है, यहां चिड़ियां भी दौड़ रही है। सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर लीजिए, किसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इसको रिजॉल्व कीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और वर्टिकल कंपोनेंट। जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, हमको पता है क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हमको पता है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहां पर कितना आएगा टेन कॉस 37 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनता है, ठीक है जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका टेन कॉस 37, कॉस 37 मतलब क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 37 मतलब क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आपका बताइए, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या आपका बेस है, तो टेन इंटू कितना आएगा 4/5, कितना आएगा 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ठीक है टेन चूंकि वेलोसिटी है तो टेन कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या 37 डिग्री, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर क्या आएगा आपका 2/4 8 मीटर/सेकंड। यहां कितना आएगा आपका, तो आपको पता है टेन साइन 37, साइन 37 डिग्री वैल्यू कितना होगा साइन 37, तो साइन 37 का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन जो एंगल होता है उसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे क्या आएगा 10 × 3/5, तो कितना आएगा 6, 10 × sin 37 तो 3/5, तो 5 × 10 तो क्या आएगा आपका 6। पहले आप यहां गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए क्या कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, तो 8i + 6j, वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है 8i, 8 उसका एक्चुअल कंपोनेंट है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली जो अप जा रही है क्योंकि वो ऐसा ट्रैवल कर रही है ये, तो यहां पर क्या हो रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और यहां वर्टिकल भी, वो ऊपर भी जा रही है और दूर भी जा रही है, तो दूर क्यों जा रही है
ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, 8i. ऊपर क्यों जा रही है? ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 60. तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकला, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो क्या आएगा? 6i + 0c. और वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या आएगा? ट्री, तो ट्री रेस्ट पर है, 0i + 0. अब हमें निकालना है क्या कि वेलोसिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय ट्री. पहला क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय ट्री. तो फॉर्मूला तो हमें पता है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री. हमें पता है क्या कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री. ठीक है, बर्ड का स्पीड कितना है वेक्टर फॉर्म में? कितना? 8i + 6j माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या है? 0i + 0. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है आपका? 8i + 6j. और ट्री का स्पीड क्या है? 0i + 0j. तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा? 8i - 0, तो 8i रहेगा और 6j ही रहेगा. तो ये निकला वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय ट्री. अब समझिए इसका मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, ट्री आपका रेस्ट पर है, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर है, बी, जो आपका बी आपने लिया था, वो जो बी है बंटू, तो बंटू आपका रेस्ट पर है. ठीक है, ट्री, तो ट्री को आप मान लीजिए बंटू, बी ऑब्जर्वर. अब यहां बर्ड जा रही है, बर्ड मोशन में, तो जो इसको मान लीजिए ए. तो देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जब आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और वो किसी चीज को देख रहा है और उसमें मोशन है, तो उसको दोनों कंपोनेंट एक्चुअल दिखेगा. जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे कि बी आपका रेस्ट पर था, यहां पर बी रेस्ट पर है और ए यहां दौड़ रहा है, ए दौड़ रहा है, तो जो ए का स्पीड है वो खुद रेस्ट पर है, पर एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा था. पिछले क्वेश्चन में क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा था, तो एक ही कंपोनेंट दिख रहा था, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, अब यहां बर्ड पर दोनों कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी, क्योंकि इंक्लाइंड मूव कर रही है चिड़िया, आपका ऐसा जा रही है कुछ एंगल पर. तो जब चिड़िया कुछ एंगल पर जा रही है, मतलब क्या, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और इसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी. क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और क्या आपका वर्टिकल कंपोनेंट. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट. तो यहां पर जो ट्री है वो रेस्ट पर, वो दोनों देख रहा है कि नहीं, चिड़िया इतना दूर इस स्पीड से जा रही है और इस स्पीड से ऊपर जा रही है, उसको एक्चुअल दोनों दिखेगा. क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में रेस्ट पर है. ट्री क्या आपका? 0i. तो एक्स में भी रेस्ट पर है, तो एक्स का एक्चुअल स्पीड दिखेगा उसको कि 8i. वाई में भी क्या है? रेस्ट पर ट्री, तो वाई का भी जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो दिखेगा कि नहीं, 6j. ठीक है, सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी 2-dimensional. ठीक है, तो अगर वन डायमेंशनल में चेंज होता तो रेस्ट ऑब्जर्वर को वही एक कंपोनेंट दिखता, पर जब यह ऑब्जर्वर दोनों डायरेक्शन में रेस्ट पर है, 0i + 0j, तो यहां पर क्या आपका, उसको दोनों एक्चुअल दिख रहा है कि नहीं, मेरे से 8 के स्पीड से एक्स एक्सिस में जा रही है और मेरे, चूंकि हम रेस्ट पर है, तो मुझसे ये 6 के स्पीड से ऊपर जा रही है, चूंकि हम खुद रेस्ट पर है दोनों डायरेक्शन. पर ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगा. मान लीजिए अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो ठीक है, वहां पर दोनों डायरेक्शन में, पर हो सकता है कि बॉडी, जैसे आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट है, हाँ हॉरिजॉन्टली ये रेस्ट पर है. जैसे ये मैन आपका दौड़ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल में है पर वर्टिकली ये रेस्ट पर है. ऐसा नहीं कि उछल कूद कर रहा बार बार, नहीं, ये सिंपल दौड़ रहा है. तो जब कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पर होता है तो उसका दोनों कंपोनेंट क्या होगा? रेस्ट पर. बाकी अगर कोई मोशन में है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसका हर एक डायरेक्शन में मोशन होगा, नहीं. हो सकता है कि अगर आपका 1D, मतलब आप एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल तो ऊपर, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, पर एक्स में क्या आपका? 0. जिस तरह ये मैन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पर ये वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है. क्यों?
मैन ऐसा नहीं कि बार बार उछल कूद कर रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, नहीं, मैन सिंपल दौड़ रहा है। तो सिंपल दौड़ना मतलब क्या, इसका वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, नॉट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये पहला निकला वीबीटी। अब हमें निकालना है क्या, ठीक है, तो पहला याद रखना है कि ये जो इसका एक्चुअल है वही लिख रहा है। दूसरा निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ एज सीन बाय मैन, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कोई इसका वैल्यू क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन, कोई बता सकता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन? 2y plus 6j किसका है, नवाज, और कोई? सही आंसर है नवाज का, ठीक है। अभी हमने बताया आपको कि देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, पहले आप रुके हुए थे और ट्रेन जा रही है, बस जा रहा है, तो जो उसका एक्चुअल स्पीड वही दिख रहा है, पर आप भी दौड़ना शुरू कर दिए उसी डायरेक्शन में। तो यहां देखिए बर्ड का पहले यहां वेक्टर फॉर्म में पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है वो देख लीजिए। तो बर्ड का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी क्या है, 8i 6j माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या आपका वेलोसिटी ऑफ बर्ड 8i plus 6j माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैन का वेलोसिटी क्या है आपका, तो 6i plus 0j। तो यहां पर क्या आएगा आपका 8 minus 6i क्या आएगा, 2i प्लस 6j माइनस 0j क्या आएगा, 6 क्या आएगा, 6, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या अब समझिए यहां पर, देखिए मैन का हॉरिजॉन्टल स्पीड है, मैन का दौड़ रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल कितने की स्पीड से, 6 के स्पीड से, पर बर्ड भी दौड़ रही है अलोंग द हॉरिजॉन्टल 8 की स्पीड से। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 8 है, क्योंकि ग्राउंड क्या आपका रिस्ट पर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वीबीजी माइनस वीबीएन। तो बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स के अलोंग कितना आपका, 8, और एक्स के अलोंग आपका मैन का भी स्पीड कितना है, 6 है। तो जब मैन बर्ड को देख रहा है तो मैन तो खुद क्या हो रहा है, 6 के स्पीड से दौड़ रहा है, और उसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में अलोंग द हॉरिजॉन्टल बर्ड भी दौड़ रही है कितना, 8 के स्पीड से। डिफरेंस कितना है, पहले ही हम कंसेप्ट बता दिए कि जब आपका दौड़ना है वहां पर डिफरेंस आपको दिखता है। तो 8 minus 6 क्या होगा, 2, 8 minus 6 क्या होगा, 2। तो यहां पर मैन भी 6 के स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अलोंग द एक्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल आपका स्पीड है 8। तो डिफरेंस क्या दिखेगा, तो वहां दिखेगा 2i। मैन को लगा कि नहीं 2 के स्पीड से चिड़िया दौड़ रही है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, पर उसको खुद नहीं पता कि हम 6 के स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैन का स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अगर ये मैन रेस्ट पर हो जाए, अचानक दौड़ते दौड़ते क्या हो जाए, रेस्ट पर, 0i plus 0j, अब उसको दिखेगा 8i, क्या दिखेगा, 8i minus 0i क्या आएगा, 8i, 8i minus 0i क्या आएगा, 8i। तो जब मैन रेस्ट पर आ गया तो उसको एक्चुअल कंपोनेंट दिख रहा है पूरा का पूरा, पर जब उसी डायरेक्शन में मैन भी दौड़ रहा है 6 के स्पीड से और बर्ड भी दौड़ रही उसी डायरेक्शन में एक्स में अलोंग द हॉरिजॉन्टल 8 के स्पीड से, तो 8 minus 6 क्या आएगा, 2i। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मैन क्या है, रेस्ट पर। मैन ऐसा नहीं कि उछल कूद करके दौड़ रहा आगे बढ़ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि मैन यहाँ उछल कूद करके आगे बढ़ रहा, मैन सिंपल दौड़ रहा है। तो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग द वाई इसका स्पीड क्या आपका 0, इसका स्पीड क्या आपका 0, पर बर्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन कितना आपका 6। तो बर्ड को वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा का पूरा दिखेगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली मैन क्या आपका रेस्ट पर, वर्टिकली मैन क्या आपका रेस्ट पर, और बर्ड का वर्टिकली रेस्ट पर नहीं, इसका स्पीड 6 है।
जैसे ऑब्जर्वर रेस्ट पर है आपको एक्चुअल कंपोनेंट दिखेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल कंपोनेंट दिखा, कितना दिखा 6G। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, जब मैन बर्ड को देखेगा तो उसका लगेगा कि 2 का स्पीड अलोंग द हॉरिजेंटल है और उसको लगेगा कि 6 का स्पीड अलोंग द वर्टिकल है, ठीक है। उस तरह से मान ली, थर्ड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ट्री, वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ट्री, बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ट्री। तो मैन का स्पीड क्या आपका 6i प्लस 0j, और ट्री क्या आपका रेस्ट पर, ट्री क्या आपका रेस्ट, ट्री क्या आपका रेस्ट पर, तो क्या होगा 6i 0i प्लस 0j, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आपका 6 माइनस 0, क्या आएगा आपका 0, 6 माइनस 0 क्या होगा 6i, ये तो 0 है, ये आपका मतलब 0j। देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ट्री, अब यहां पर ऑब्जर्वर कौन है, ट्री, वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो ट्री रेस्ट पर मैन का एक्चुअल स्पीड, और एक्चुअल स्पीड कहां पर है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, तो उसको पूरा का पूरा दिख रहा है कि ट्री जब ऑब्जर्व करेगा तो मैन का डायरेक्शन क्या आपका अलोंग द 6, अलोंग द x, अलोंग द x, 6 है अलोंग द x। अब देखिए थोड़ा सा उल्टा, उल्टा मतलब क्या, फोर्थ मान लीजिए हम निकाल रहे हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्री एज सीन बाय मैन। अब क्या निकालना आपको, वेलोसिटी ऑफ ट्री एज सीन बाय मैन, फॉर्मूला क्या आएगा, तो वी टी माइनस वी, भैया वी टी कितना है 0 है, 0i प्लस 0j, पर मैन का स्पीड तो है कितना है आपका 6i प्लस 0j, कितना आपका 6i प्लस 0j, तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां कितना आएगा माइनस 6i और माइनस 0j, क्योंकि माइनस, तो यहां j कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि मैन का भी स्पीड अलोंग वर्टिकल क्या आपका 0 है, तो 0j और माइनस 0j कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ रहा 6i। अब थोड़ा इसको समझिए, वेलोसिटी ऑफ ट्री एज सीन बाय मैन, आप कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर आपका ट्रेन चल रहा है, अगर आपका ट्रेन चल रहा है और आप विंडो सीट पर बैठे हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा जो विंडो सीट पर की जितने भी आपका पेड़ है या तार है वो हिलता हुआ दिखेगा, पीछे जाता हुआ दिखेगा, ट्रेन आपका आगे जा रहा है, बस आगे जा रहा है, जो पेड़ है घर है वो पीछे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्या है पीछे जाता हुआ दिख रहा है, आप ऑब्जर्व किए होंगे, अगर आप विंडो सीट पर है ट्रेन आगे जा रही, ठीक है, ये मुजाहिद, वीडियो ऑफ कर लीजिए, मुजाहिद कौन है, नहीं पढ़ना तो घर जाइए, यहाँ घर, ठीक है, तो अगर आपका बस या ट्रेन आगे जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो जो पेड़ पौधा वो दिखेगा पीछे जाता हुआ, क्यों, जो ट्रेन का एक्चुअल स्पीड है उसी स्पीड से आपको दिखेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो आपको पीछे जाता दिख रहा है, तो यहां भी वही हो रहा है कि मैन आगे दौड़ रहा है, मैन का स्पीड कितना है 6i, 6 मीटर पर सेकंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पर वो जब पीछे देखेगा पेड़ को तो वो क्या दिखेगा, उसको खुद नहीं पता कि हम 6 के स्पीड से आगे जा रहे हैं, उसको क्या अपीयर होगा कि 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पेड़ मुझसे पीछे जा रहा है, क्या उसको अपीयर होगा कि 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पेड़ पीछे जा रहा है, क्या जा रहा है, पेड़ पीछे जा रहा है। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं विंडो सीट पर, आप देखिएगा जितने भी चीज सब पीछे जाता दिख रहा है, तो जो ट्रेन का स्पीड है वही स्पीड उधर लग गया अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि आप खुद आगे जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा पीछे,
तो जब मैन देख रहा है पीछे पलट कर कि भैया ट्री जो रेस्ट पर था उसको क्या अपीयर होगा कि 6 के स्पीड से वो पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है 6 के स्पीड से आगे जा। एक और देखिए इसमें, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन आपका जितने भी आया वो क्वेश्चन, टाइम भी होने का है, कल करेंगे फिर। एक क्वेश्चन देखिए आप और, वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय बर्ड, ये दिखाना आप पहले। यहां देखिए VBM, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन, क्योंकि मैन का स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल 6 है, बर्ड भी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका 8 के स्पीड से मूव कर रही है, तो डिफरेंस कितना होगा 2। तो मैन को क्या लगेगा कि 2 के स्पीड से आपका बर्ड उड़ रही है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में पूरा का पूरा रेस्ट पर है, तो जो एक्चुअल स्पीड है 6 पूरा, तो ये पूरा आपका 6 अपीयर होगा जे डायरेक्शन, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन। अब लेकिन उल्टा हो रहा है, अब चिड़िया किसको देख रही है, ठीक है, मैन को, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय बर्ड, पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, तो वी एन माइनस वी डी, फॉर्मूला क्या आपका, वी एम माइनस वी डी, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है आपका, 6 आई प्लस 0 माइनस, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, कितना है 8 आई प्लस 6 जी, कितना आपका 8 आई प्लस 6 जी, 6 अलोंग द एक्स, सही है ना, हाँ 8 आई प्लस 8 आपका अलोंग द एक्स और 6 आपका अलोंग द वाई, यहां पे क्या आएगा, तो यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर आएगा 6 माइनस 8 क्या आएगा, माइनस 2 आई और माइनस 6 जे, थोड़ा इसको भी समझिए। अब बर्ड आपका ऊपर जा रहा है और मैन आपका नीचे दौड़ रहा है, तो बर्ड जब पीछे पलट कर देखेगी किसको, मैन को, तो देखिए मैं बर्ड का स्पीड क्या 8 और इसका स्पीड क्या 6, तो जब मैन बर्ड को देखा तो इसको क्या अपीयर हो रहा है, देखिए जब मैन बर्ड को देखा तो इसको क्या लग रहा है कि 2 के स्पीड से बर्ड आगे जा रही, और जब बर्ड पीछे पलट कर देखेगी मैन को तो उसको क्या अपीयर होगा कि हम 2 के स्पीड से आगे नहीं, उसको अपीयर होगा कि 2 के स्पीड से मैन पीछे जा रहा है, क्या हो रहा है, मैन पीछे जा रहा है। देखिए VBM, वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय मैन, जब मैन बर्ड को देखा उसको लग रहा है 2 के स्पीड से वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही, और जब बर्ड पलट कर मैन को देखेगी तो क्या लगेगा कि भैया वो 2 के स्पीड से तो पीछे जा रहा है, मैन जो है वो पीछे जा रहा है, पीछे क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपका इसका स्पीड है 8, इसका स्पीड है 6, तो पहले मान लीजिए इसका स्पीड 8 माइनस 6 क्या है 2, तो अभी जो नेट वेलोसिटी बचा बर्ड का वो क्या बचा 2 आई अलोंग द एक्स, और इसका मान लीजिए अभी 0 है क्योंकि 8 माइनस 6 कर दिए 0, तो जब कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और ये 2 के स्पीड से आगे जा रही बर्ड, तो इसको क्या लगेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट सब क्या हो रहा है, तो इसको लगेगा कि 2 के स्पीड से माइनस एक्स नेगेटिव पीछे जा रहा है। अब ये माइनस यहां पे क्या हो रहा है 6 जी, तो बर्ड को क्या लगेगा कि मैन पीछे जा रहा है 2 के स्पीड से और नीचे भी जा रहा है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी 6 है और ये वर्टिकली रेस्ट पर है, वर्टिकली क्या आपका रेस्ट पर, मैन वर्टिकली रेस्ट पर है और बर्ड आपका 6 के स्पीड से ऊपर जा रही है, तो जब वो पीछे पलट कर देखेगी तो उसको क्या लगेगा, क्योंकि तो बर्ड में यहां दोनों कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी है तो उसको हॉरिजॉन्टल अपीयर भी होगा कि मैन हॉरिजॉन्टली पीछे भी जा रहा है पर बर्ड आपका वर्टिकली ऊपर भी जा रही है, कितने की स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग द वाई, तो उसको अपीयर होगा कि जो मैन है 6 की स्पीड से नीचे जा रहा है, नीचे घुस रहा हुआ, तो जब ये बर्ड ऊपर जाएगी 6 की स्पीड से तो इसको अपीयर होगा, ठीक है, कि मैन जो है वो 6 की स्पीड से नीचे। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी
मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि आपको एक दूसरे के टर्म में डिफाइन करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन कर रहा था असल में, ठीक है, पर अभी आपका टाइम खत्म हो गया, अभी बायो का टाइम है। महक कान का फॉर्मूला है, व्हाट इज आई एंड जे इन फॉर्मूला। तो अगर आपको आई और जे नहीं पता तो आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। वेक्टर है, वेक्टर, आई मतलब क्या, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है। आपको पता है क्या, अगर आप 11th में भी तो अभी तक आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है, अगर आप देखिए ये खास करके जो डिजाइन किया गया है, जो आपका पूरा कोर्स दैट इज डिजाइन फॉर द जे डबल ई एंड नीट रिपीटर, ठीक है, पर जो 11th में भी अगर होंगे तो 10th के बाद तो वो वो भी तो आप पढ़े होंगे ना। आपका पहले बेसिक मैथमेटिकल टूल है, बाद में आपका यूनिट डायमेंशनल मेजरमेंट कोई फैकल्टी पढ़ाता, ठीक है। तो अगर बेसिक मैथमेटिकल टूल में वेक्टर पढ़े होंगे या फिर आपका जो, ठीक है, हर जगह ये है आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वहां भी IGK का काम, ठीक है। बिना वेक्टर के आप कैसे पढ़ सकते हैं, वर्क एनर्जी पावर है पूरा का पूरा वेक्टर। पार्टिकल आपका देखिए शॉर्ट में समझा दे रहे, इसको ये नहीं पता कि IGK क्या है। ठीक है, IGK मतलब क्या, जो तीन एक्सिस है, क्या आपका तीन एक्सिस, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप बोलते हैं एक्स, ये हॉरिजॉन्टल है, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये ऊपर वर्टिकल एक्सिस वाई और माइनस वाई, वाई और माइनस वाई, पर एक एक्सिस क्या आपका आउटवर्ड प्लेन एंड इनवर्ड प्लेन, एक एक्सिस क्या आपका आउटवर्ड प्लेन जेड एक्सिस और एक क्या आपका इनवर्ड प्लेन माइनस जेड एक्सिस, क्या आपका माइनस जेड। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर ये भी आएगा, तो ये जेड है तो ये माइनस, और तीनों क्या होते हैं मिचोली परपेंडिकुलर, क्या होते हैं मिचोली परपेंडिकुलर, तीनों क्या होते हैं मिचोली परपेंडिकुलर, मिचोली परपेंडिकुलर। तो जो भी पार्टिकल एक्स के अलोंग जा रहा है, मान लीजिए आपका स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकंड, पर भैया 5 मीटर पर सेकंड जैसे ही तो स्पीड हुआ, पर अगर आपको वेलोसिटी लिखना है तो आपको वहां डायरेक्शन देना पड़ेगा, जैसे मतलब कि अगर कोई स्पीड है 5 अलोंग द एक्स तो इसको बोलते हैं आई, जैसे यहां मान लीजिए 5 आई, तो क्लियर हुआ, और इसको बोलेंगे वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन आ गई, कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स, तो यहां पे जो डायरेक्शन वेक्टर है, यहां जो यूनिट वेक्टर है, दैट इज व्हाट डिनोटेड बाय आई कैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आई कैप, ठीक है, 5 आई। अगर आपका नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो क्या होगा 5 और माइनस आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनस आई कैप, ठीक है। 5 का स्पीड तो है पर वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है, अगर जो y के अलोंग मूव कर रहा है वर्टिकली, आप कोई पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है जिसको बोलते हैं 5g, मतलब j डायरेक्शन, जो भी वेलोसिटी, मान लीजिए आप 3 है या 2 है या 1j, 1 के स्पीड से अलोंग द वर्टिकली अप जा रहा है तो 1j, तो बॉल नीचे आ रहा है, मान लीजिए 2 के स्पीड से कितना है तो -2j। तो जो पॉजिटिव x का डायरेक्शन बताया उसको बोलते हैं आई कैप, जो पॉजिटिव नेगेटिव x का बताया वो माइनस आई कैप, जो नेगेटिव वाई का डायरेक्शन बताया है वो माइनस जे कैप, जो पॉजिटिव के का बताया है उसको हम बोलते हैं के कैप, जो नेगेटिव है उसको हम क्या बोलेंगे माइनस जे। तो आई जे एंड के आर द डायरेक्शन वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। जैसे आपने सिंपल लिखा कि जो वेलोसिटी स्पीड है दैट इज नॉट 5, तो इसको हम बोलेंगे स्पीड, कि भैया ठीक है 5 मीटर पर सेकंड है, पर ये पार्टिकल गया कहां, नॉर्थ गया, साउथ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, कहां गया। तो अगर आप डायरेक्शन स्पेसिफाइड करेंगे कि नहीं अलोंग द पॉजिटिव एक्स, अलोंग द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या पॉजिटिव बाई जे, अलोंग द साउथ मतलब क्या माइनस जे, ठीक है, या आउटवर्ड डायरेक्शन या इनवर्ड डायरेक्शन, तब उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना कि ये वी वेक्टर मतलब क्या है, इसको आप बोलेंगे 5 आई, ये 5 का मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, पर अलोंग द पॉजिटिव एक्स, ठीक है। तो ये है आपका IJK, बाकी जिसको नहीं पता पहले वेक्टर पढ़ लेना, क्योंकि हर एक यूनिट में यूज है, ठीक है।
कल भी आइए, कल आपका रिलेटिव वेलोसिटी का क्लास रहेगा, अभी स्टार्ट, अभी तो हम बेसिक से